और अब बात करते हैं सिंगरौली जिले की, जहां बाढ़ सागर से अधिक बारिश होने के कारण कई गेट खोले गए हैं। सीधी सिंगरौली जिले को इसके बाद अलर्ट किया गया है, वहीं बिहार राज्य को पानी भेजा जा रहा है। बाढ़ सागर बांध का गेट खुलने के कारण सोन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जहां प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ सागर शहडोल में पानी अधिक भर गया है, जिससे कल से लेकर अभी तक बढ़ते बढ़ते 290 क्यूमिक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बिहार राज्य में पानी जा रहा है। सोन नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण चितरंगी इलाके के नदी के किनारे बसे सैकड़ों गाँव बाढ़ के पानी के खतरे के निशान पर है। अपर कलेक्टर डी पी बर्मन के मुताबिक कल से लेकर आज तक लगातार बाढ़ सागर से करीब 290 क्यूबिक पानी छोड़ा गया है, जिससे सीधी सिंगरौली जिले से होकर निकलने वाली सोन नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आसपास बसे सैकड़ों गांव के लोगों को मुनादी कर इसकी खबर की जा रही है कि मछुआरे और नदी में नहाने या फिर गांव को पार करने वाले लोग अलर्ट हो जाएं। आपको बता दें कि बाढ़ सागर के गेट अभी और भी खोले जा सकते हैं, जिससे कि नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। को देखते हुए बाढ़ सागर परियोजना 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। बिहार राज्य के मांग पर दिनांक 12 जुलाई से 220 क्यूमिक्स पानी छोड़ा गया है और 13 तारीख से 35 क्यूमिक्स और उसमें वृद्धि करते हुए 255 क्यूमिक्स पानी छोड़ा गया है और उसको 290 क्यूमिक्स जो है टोटल छोड़ा जाएगा। तो इसको देखते हुए जो सोन नदी के किनारे जो आबादी हैं, जो ग्राम हैं, जो निवासी हैं, उनको अलर्ट किया गया है कि पानी छोड़ने के तत्काल बाद जो है सुरक्षित स्थानों में चले जाएँ और उनके लिए मुनादी जो है ग्राम स्तर पर पटवारों और पटवारियों के माध्यम से जो है सूचना दी गई है, ताकि समय पर जो है लोग जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। ये सर अपने किन किन जीवे के किस किस जिले? बाढ़ सागर परियोजना का जो पानी है सोन नदी से सीधी जिले और मुख्यतः सिंगरौली जिले प्रभावित होते हैं। तो सीधी और सिंगरौली के जो सोन नदी किनारे के जो गांव हैं वो इस पानी छोड़ने से प्रभावित होते हैं और उन लोगों को जो है अलर्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब बाढ़ का पानी आने के बाद नदी में अचानक खतरा बढ़ने के चांस है, चूँकि है ना बाढ़ सागर पानी में पर्याप्त पानी भराव होने के कारण ये पानी जो है बिहार राज्य के मांग पर जो है पानी छोड़ा गया।